हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस नए सेशन के साथ में। और क्यों ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि दलित पैंथर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पेपर टू के स्टैटिक पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे जुड़ा हुआ ये करंट अफेयर है। ठीक है, पेपर टू में जहाँ हम इंडियन सोसाइटी में कास्टिज्म पढ़ते हैं, वहीं पर हम जो है दलित पैंथर के न्यूज़ को भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि दलित पैंथर को ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंप्लीट हुए हैं 50 साल 2022 मई में। ठीक है, मई 2022 में इसको 50 साल हुए हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल प्लस जो आपका इंडियन सोसाइटी है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर टू, ठीक है, पेपर टू के लिए ये इम्पोर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी आपका जीएस पेपर वन में आता है, तो उसके लिए भी आप इसको तैयार करेंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमने तो पेपर टू पढ़ा ही नहीं है, तो भाई पहले आप न्यूज़ कवर कर लो। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आता है ना कि कास्टिज्म क्या होता है, वो आप समझ लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप सिलेबस डाउनलोड करें और सिलेबस के अंदर जहाँ पर भी ये जो कास्टिज्म वाला टॉपिक है वहाँ पे एक स्टार लगा के जो है आप इस न्यूज़ के बारे में लिख सकते हैं कि ये न्यूज़ हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है और हम इस न्यूज़ को यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड द कास्टिज्म और किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है। तो वो भी आप जब अपनी आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें दलित पैंथर के बारे में लिख के आ सकते हो। ठीक है, जिसने भी अभी तक सेशन को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो कर दीजिएगा। मैं रमा शर्मा आप लोगों के लिए यहाँ पर इस करंट अफेयर की, सोशियोलॉजी करंट अफेयर, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की करंट अफेयर की सीरीज़ में आज ये हमारा दूसरा दिन है। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पर डेली सुबह 10 बजे आप इसको देख सकते हैं। और एक सेशन हमने कल लिया था आपके लिए, कुछ हैंड पिक करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीआरबी का डेटा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिसका लिंक, जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा आइकन में, और आप जाके यहाँ पे करंट अफेयर्स अपने कवर कर सकते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के। इस करंट अफेयर्स का जो आपको पीडीएफ मिलेगा इन टेलीग्राम, ठीक है, तो वो करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ होगा भाई वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, दैट आई कैन गिव यू इन हिंदी एंड इंग्लिश, टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन कल कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आप स्टैटिक वाला जो हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल की पेपर वन की सीरीज़ कर रहे हैं उसको भी जो है हिंदी प्लस इंग्लिश में करो। दैट इज़ वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि उसमें 150-150 स्लाइड हैं, 150 स्लाइड्स को कन्वर्ट करने का मतलब है आपके 1.5-2 घंटे वहीं पे एक्स्ट्रा लग निकल जाएंगे। और फिर क्या है कि 150 स्लाइड इंग्लिश की होंगी और 150 जो है हिंदी की होंगी, तो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए इंग्लिश वाली स्लाइड बेकार होंगी। ठीक है, मतलब एक्सेस डेटा होगा, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए हिंदी वाली स्लाइड्स बेकार होंगी। तो आप समझिए वहाँ पे आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं उसको गूगल ट्रांसलेट पे जाकर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर वाले हैं उनको मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगी। तो इतनी जो है उम्मीदें पाल के ना बैठें, स्पून फीडिंग ना करें, जिला संभालना है आपको। ठीक है, डीएम बन के जिला संभालना है, आईएएस बन के, तो हर चीज़ जो है थाली में तश्तरी में परोसी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसी सोच कैसे संभालोगे जिला? ठीक है, तो अगर सीएम ने हिंदी में दे दिया तो क्या बोलोगे कि इंग्लिश में भी दो, या इंग्लिश में दे दिया तो क्या बोलोगे कि हिंदी में भी दो? नहीं, तो कुछ मेहनत हमको खुद भी करनी होती है। ठीक है, हर चीज़ स्पून फीडिंग, जेब से भी तुम्हारी कुछ नहीं जा रहा और अकल से भी कुछ नहीं जा रहा, और ऐसे करके ऑप्शनल कवर कर लोगे तो ये तो नहीं हो पाएगा, है ना। जेब से कुछ नहीं जा रहा तो अकल तो थोड़ी बहुत खर्च करो। ठीक है, तो इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए, तो ये न्यूज़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी सारी जगह पे आई थी, और दो ऐसे न्यूज़पेपर जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं अपनी यूपीएससी की जर्नी में, ठीक है, वहाँ पर भी ये न्यूज़ आई थी। खैर, उसको तो हम कवर करेंगे ही। न्यूज़ क्लिक नाम की एक ऑनलाइन न्यूज़ साइट है, वहाँ पर आया था ये न्यूज़ 9 जनवरी 2022 को। ठीक है, खैर मई में इसके 50 साल पूरे हुए थे, मई 2022 में, लेकिन जनवरी से ही ये न्यूज़ में बना हुआ था। 50 ईयर्स ऑफ दलित पैंथर, इंडियाज़ फर्स्ट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है अब आप समझ रहे होंगे, इंडियाज़ फर्स्ट एग्रेसिव यानी कि उत्तेजित, ठीक है, हिंदी मीडियम, उत्तेजित दलित युवा मूवमेंट था ये। इंडिया का पहला मूवमेंट था, और उस पहले मूवमेंट को 50 साल हो गए, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट तो है ही है।
ठीक है। तो ये मूवमेंट किसके खिलाफ था? ये मूवमेंट जो दलितों के साथ में अत्याचार होते थे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, उसके खिलाफ था ये। इसने महाराष्ट्र के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को, ठीक है, राजनीतिक पृष्ठभूमि को चेंज कर दिया और उस पर इम्पैक्ट डाला। और उससे जो है भारत की पॉलिटिक्स में भी, दलित पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में भी काफ़ी सारे बदलाव आए। अब मुद्दे की बात ये सब देखना बंद करना, ठीक है, इधर ध्यान, यही तो प्रॉब्लम है जो हमको कहाँ भटकाती है, ठीक है, ये छोड़ो। आप ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है indianexpress.com, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो एक बार हम जूम करके आपको और दिखाई देते हैं, ठीक है साहब, जूम करके दिखाई देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस आपको यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। आप लोगों के लिए ये रहा जी इंडियन एक्सप्रेस, दिख रहा है इंडियन एक्सप्रेस। तो ये न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में भी आई थी, और क्योंकि ये न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में आई थी तो भैया आप समझ लीजिए कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट खबर है ये, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, आगे चलें। हाँ जी, आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये थोड़ी जो गड़बड़ हो गई है उसको ठीक करते हैं, ठीक है, चलिए कैसे करें, ठीक ऐसे कर लेते हैं, ठीक। कि ये दलित पैंथर वाली न्यूज़ ना, अब आप, मैं इसको ठीक करके दे दूंगी आप लोगों के लिए। ये दलित पैंथर वाली न्यूज़ ना आप लोगों के लिए इंडियन एक्सप्रेस में भी आई थी, फिलहाल आप इतना समझ लो, इसको पूरा डिकोड किया है मैंने तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे, हिंदी में भी नोट्स मिल जाएंगे। दलित पैंथर वॉज एन आइडियोलॉजी एंड क्या था यार ये, ठीक है, ऑफ द दलित रेस्पॉन्स टू इनजस्टिस, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द दलित रेस्पॉन्स टू द इनजस्टिस, अत्याचार के खिलाफ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक और वेबसाइट है जहां पर इसको देखा गया, फर्स्ट मीटिंग। अब ये आपको दलित पैंथर तो आज आप समझ लोगे, है ना, एक ब्लैक पैंथर भी होता है, ब्लैक पैंथर देख रहे हो, ये दलित पैंथर ऑफ इंडिया का लोगो है, लोगो, और एक ये ब्लैक पैंथर ऑफ इंडिया है। इनकी फर्स्ट मीटिंग भी हुई मई 2022 में। क्यों हुई? इनकी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुई, और पहली बार इनकी मीटिंग इस साल 2022 में हुई है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी दोनों के बीच में जो है आपको पता होनी चाहिए, ब्लैक पैंथर, दलित पैंथर। आपका काम ये है कि मैं आज आपको दलित पैंथर ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूँ, आप ब्लैक पैंथर पढ़ के आएंगे, एंटी कास्ट मूवमेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ आया था, ये कहाँ आया था, ये भी जो है www.blackpanther.org, ठीक है, उसमें एक इंटरव्यू वगैरह आया था, तो उसकी बात यहाँ पर हमने करी है। अब देखिए, मैंने आपको समझा दिया है कि ये पेपर टू से जुड़ा हुआ है, मैंने आपको समझा दिया है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके 50 साल पूरे हुए हैं, मैंने आपको समझा दिया है क्योंकि ये फर्स्ट दलित युवा यूथ मूवमेंट था, ठीक है, और एग्रेसिव मूवमेंट था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर ये शुरू हुआ था 1972 जून में, तो मई जून में, जून में खैर इसकी जो है 50 साल हो गए थे, मई के एंड में और जून की शुरुआत में। तो बेसिकली क्या था कि महाराष्ट्र में, मुंबई में, आपको पता ही होगा ये उस टाइम का दौर है जब आपके बाला साहेब ठाकरे के समय की बात है, और वहाँ पर जो स्लम्स हैं, मुंबई के जो स्लम है, बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, वहाँ पर कुछ जो हैं पढ़े लिखे, मतलब यूथ जो है, एजुकेटेड यूथ ने ये शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? क्योंकि ये लोग जो हैं अपने बाबा साहेब अम्बेडकर से, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर से काफ़ी ज़्यादा क्या थे, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और भीमराव अम्बेडकर के साथ में ये ब्लैक पैंथर्स से भी क्या थे, इंस्पायर्ड थे, ब्लैक पैंथर। अब ये ब्लैक पैंथर कहाँ पे हैं? ये ब्लैक पैंथर US की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एजुकेटेड यूथ की ऑर्गेनाइजेशन थी, एग्रेसिव थी, और उन्हीं की तर्ज पे कॉपी कैट करके, यानी कि जैसे हॉलीवुड की मूवी का रीमेक करके बॉलीवुड में बना देते हैं, ठीक है, हॉलीवुड से जैसे बॉलीवुड बना देते हैं, और हॉलीवुड वाले वहीं कॉपी नहीं करते भाई साहब, वहीं वहीं रुकते नहीं हैं, ये दम नहीं लेते, ये टॉलीवुड से भी बना देते हैं, ये टॉलीवुड से भी क्या करते हैं, वहाँ से भी रीमेक कर देते हैं, ये साउथ की जितनी भी साउथ इंडियन सिनेमा, वहाँ से भी रीमेक कर देते हैं। तो मुंबई में मतलब हमेशा से ही क्या रहा है कि रीमेक करने का प्रचलन रहा है।
तो वहीं से जो है रीमेक करने का, और ये रीमेक करने का प्रचलन अभी से नहीं है। आप ये देखिए कि यूएस की ब्लैक पैंथर ऑर्गेनाइजेशन को और भीमराव अंबेडकर से इंस्पायर होते हुए मुंबई के जो दलित यूथ थे, एजुकेटेड यूथ, उन्होंने दलित पैंथर नाम की एक संस्था शुरू करी। तो रीमेक हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी। तो ये ब्लैक पैंथर का क्या है, ब्लैक पैंथर का क्या है, ये रीमेक है। और इस साल मई में जो है क्या हुआ है, दलित पैंथर एंड ब्लैक पैंथर, यूएस की जो संस्था है, उन दोनों की पहली मीटिंग हुई है। ठीक है, ये भी याद रखना। तो बेसिकली ये एक मूवमेंट था जो कि दलित पढ़े लिखे युवा यानी कि इंटेलेक्चुअल, जिन्होंने अपने दलित एट्रोसिटीज को कम करने के लिए और दलित वर्ग के अंदर जो कॉन्शियसनेस, चेतना लाने के लिए, उनके अधिकारों को उनको समझाने के लिए इस मूवमेंट का शुरू किया था। और क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं दलित की, तो ये किसको अपोज करेगा? हाँ, हम जब यूनिट 1 पढ़ते हैं, कास्टिज्म पढ़ते हैं पेपर 2 में, तो वहां पर हम पूरा हिंदू कास्ट सिस्टम और ये सब सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ये हिंदू कास्ट सिस्टम को अपोज करेगा कि हिंदूज के अंदर जो वर्ण में कास्ट है, क्या है, पहले ब्राह्मण है, फिर वैश्य है, पहले ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, सॉरी, फिर वैश्य है, और फिर शूद्र है, जिनको आगे चल के दलित बोला गया है। तो कहने का मतलब ये उसको उस श्रेणी को क्या करता है, अपोज करता है। ये यहाँ पर किस तरीके से अपोज करेंगे, समाज के अंदर लिटरेरी एक्टिविटीज यानी कि पढ़ाई लिखाई जो है उनको करा के, डिबेट्स करके, ठीक है, हिंदू कास्ट सिस्टम की अदर कास्ट के साथ में डिबेट्स करके, डिस्कशन करके, घर में जो है, घर में, मोहल्लों में, कूचे में, चौबारे में, हर जगह जो है, ऑफिसेज में, पब्लिक प्लेसेस पे क्या करेंगे, ये डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूकता आए। तो बाबा साहेब अंबेडकर से ये काफ़ी ज़्यादा जो है क्या थे, प्रेरित थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या लिखा था कि वर्णहीन, जो इंग्लिश मीडियम है, वर्णहीन यानी कि कास्ट, ठीक है, वर्गहीन, कास्टलेस, क्लासलेस सोसाइटी, कास्टलेस, वर्णहीन, क्लासलेस सोसाइटी, वर्गहीन, दो अलग अलग चीजें हैं। ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में होती है, ये आपके बर्थ से मिलती है कास्ट आपको। जो पर्यंत आपण निर्माण करीत नाही तो पर्यंत खरे मानवी स्वतंत्र येयाण नाही। यानी कि अगर हमने कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण अभी नहीं किया, जो पर्यंत आपण, मतलब आपने निर्माण नहीं किया, निर्माण करीत नाही तो पर्यंत, तो फिर क्या होगा, खरे मानवी स्वतंत्रता यानी कि जो हमको ये स्वतंत्रता मिली है 1947 में, वो स्वतंत्रता जो है क्या हो जाएगी, ये यान नहीं, दैट इज वर्थलेस। ठीक है, और तब इन्होंने कहा था कि दलित पैंथर जिंदाबाद। ठीक है, तो बाबा साहेब को कोट करके, बाबा साहेब का फोटो लगा के कोट करके, और फिर जो है दलित पैंथर अपना क्या करते थे, यहां पर ये पब्लिश करते थे। यहाँ कुछ पब्लिशर्स के नाम भी लिखेंगे, नामदेव लक्ष्मण और ये सारी चीजें, ये संरक्षण मंत्री और दुनिया भर के, ये भी देखेंगे। ये तीन लोग थे जिन्होंने इसका पूरे के पूरे मूवमेंट का शुरुआत किया। यहाँ पे ज्योतिबा फुले से भी ये प्रेरित थे, इसीलिए ये जो है लिटरेरी एक्टिविटीज जो है यहाँ पर ये ज्यादा होती थी, जिसके वजह से जो है जागरूकता लाई जा सके। लिटरेरी एक्टिविटीज यानी कि वही पढ़ाई लिखाई और मतलब डिबेट डिस्कशन वाली चीजें। तो ओरिजिन इसकी कैसे हुई, इंस्पायर्ड बाय द ब्लैक पैंथर, इतना समझ में आ गया। दलित पैंथर जो है शुरुआत में उतना ज्यादा जो है मतलब वो नहीं था, फेमस नहीं था, लेकिन धीरे 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 इस मूवमेंट ने गति पकड़ी और ये सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। इवन ये जो है यूएस के जो काउंटर पार्ट था इनका, यूएस का काउंटर पार्ट यानी कि ब्लैक पैंथर, उससे ज्यादा इफेक्चुअल इंडिया में हुआ। दलित पैंथर एक एग्रेसिव एंड कॉम्बेटिव था, जैसे कि ब्लैक पैंथर थे। तो यहां पर झड़प वड़प आपको देखने के लिए मिलेगी, झड़प मतलब एग्रेशन और एजिटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर लिटरेरी एक्टिविटीज का क्या रोल है, क्योंकि ये लोग ज्योतिबा राव फुले से भी काफी ज्यादा प्रेरित थे। तो मराठी दलित लिटरेचर के बारे में यहां पर लिखा है, काफी सारे ऑथर हुए हैं जो कि दलित पैंथर के पीछे अपना समर्थन देते थे। इनफैक्ट आप यहां पर यह भी देखेंगे कि दलित पैंथर को आप कह सकते हैं कि ये एक एग्रेसिव मूवमेंट तो था ही, बट ये एक लिटरेरी मूवमेंट भी था, और इसने मराठी दलित लिटरेचर को शेप किया। ठीक है, मराठी दलित लिटरेचर को इस मूवमेंट ने काफी ज्यादा शेप किया। और आप देखेंगे इस साल एक बुक भी रिलीज हुई है जिसका नाम है दलित पैंथर एन अथॉरिटेटिव हिस्ट्री बाई JB पवार, को फाउंडर ऑफ द दलित पैंथर्स, और उन को फाउंडर ने इस बार एक बुक भी लिखी है। ठीक है, तो उन्होंने बाद में यह भी लिखा है कि इवन टुडे आज भी बोथ इंडियंस एंड फॉरेनर्स सीक टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द हिस्ट्री ऑफ द दलित पैंथर। आज भी भारतीयों को और विदेशियों को दलित पैंथर्स के पीछे की जो हिस्ट्री है उसको एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए क्यों ऐसी चीजें हुई होंगी।
तो क्यों हुई होंगी ऐसी चीजें भाई समाज में जो है दलितों को, साथ में एट्रोसिटीज काफी रही होंगी और इसीलिए दलित अपनी आवाज के लिए खड़ा हुआ। अच्छा, इसको मार्क्स की थ्योरी से भी जोड़ सकते हैं क्या, पेपर वन से? हाँ भाई, जो ये देखेगा वही समझ पाएगा इस न्यूज का अर्थ क्या है कि ये जो कह रहे हैं ना उसको, और ये जो दलित पैंथर है उसको कार्ल मार्क्स से जोड़ सकते हो क्या? हाँ जी बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कार्ल मार्क्स के क्लास कॉन्फ्लिक्ट से जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कार्ल मार्क्स जो है कहते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात, कि दो तरीके की क्लासेस होती है, वर्किंग क्लास और बिजनेस क्लास। यहां पर क्लास के बीच में नहीं है, यहां पर कास्ट के बीच में है, कास्ट के कॉन्फ्लिक्ट को आप जो है यहां पर दर्शाएंगे। तो कार्ल मार्क्स ने जिस तरीके से क्लास का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, वैसे ही कास्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पेपर टू में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, उन्होंने घुर्रे के नाम से आप उनको पढ़ेंगे, ठीक है, श्रीनिवासन, एम एन श्रीनिवासन के नाम से एक और सोशियोलॉजिस्ट को आप पढ़ेंगे, श्रीनिवासन, और इस तरीके के एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके के हमने जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, तीन प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, एक एआर देसाई हैं, और तीनों ने ही क्या किया है, तीनों ने ही क्या किया है, कास्टिज्म के ऊपर स्टडी करी है। गुर्रे वॉज दी प्रोफेसर जिन्होंने पहली बार भारत में इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में चर्चा करी, और ही इज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। एम एन श्रीनिवासन और ए आर देसाई इन्हीं के स्टूडेंट्स रहे हैं जो आगे चल के सोशियोलॉजिस्ट बने हैं, जिनकी थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये तीनों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं, ठीक है। तो आप पेपर टू की पहली यूनिट से ही इसको रिलेट करेंगे। ये कहते हैं कि रिसर्चर और स्टूडेंट, रिसर्चर और स्टूडेंट दोनों ही जो है दलित पैंथर की जो हिस्ट्री है उससे मेस्मराइज्ड हैं, प्रेरित हैं। मिलिटेंट एक्टिविज्म, दलित पैंथर का जो मिलिटेंट एक्टिविज्म था, जो कि एग्रेसिव और एजिटेटिव एक्टिविटीज थी, इज वन दैट नीड टू बी रिवाइव। ये भाई साहब कह रहे हैं कि उसको वापस से रिवाइव करने की जरूरत है। रिवाइव करने का मतलब होता है कि किसी पुरानी चीज को वापस से क्या करना, वापस से जो है उसको दोबारा से जो है रिवाइव करना। मतलब कि कोई चीज अगर हिस्ट्री में खो गई होगी, खो गई होगी यानी कि हिस्ट्री में अब उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, तो उस चीज की वैल्यू को समझते हुए वापस से उसको चालू करने। खैर, हियर इज द नीड टू ट्रांसलेट दिस वर्क इनटू हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि ये जब शुरू हुआ था तो ये मराठा में था, मराठी लिटरेचर में था, और मराठी लिटरेचर को अब इनको कह रहे हैं कि इनको हिंदी और, अरे यार, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसको जो है आगे हमको लेके आना पड़ेगा, जिससे कि देश के अन्य हिस्सों में भी ये जो दलित पैंथर का मूवमेंट है ये आगे फैले, ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए, अब सही है या गलत है वो आप डिसाइड करिएगा, मेरा काम यहाँ पे पढ़ाने का है, तो अपना एनालिसिस खुद रखें, ठीक है। एट्रोसिटीज होंगी दलितों के खिलाफ तो दलित आवाज उठाएगा, लेकिन किस लेवल तक और किस सुधार तक आपको आवाज उठानी है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो काफी सारे सीरीज ऑफ इवेंट हुए जब से ये दलित पैंथर बना, 1972 में बना था, 1972 से लेके 2022 तक काफी सारी चीजें हुई हैं। तो यहां पर और आज की डेट में ये थोड़ा सा जो है इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी कम हो गई है, इसीलिए कह रहे हैं कि रिवाइव करने की जरूरत है। तो जब दलित यूथ जो है उठ खड़ा हुआ, तो राइटर्स ये बताते हैं जिन्होंने इस मूवमेंट के बारे में लिखा है कि यहाँ पर जो है युवाओं ने अपना पेशेंस, यानी कि जो आप कहते हैं ना सब्र जो है युवाओं का खत्म हो गया। कब खत्म हो गया? व्हेन द इलाया पेरुमल कमेटी, ठीक है, सरकार ने कमेटी बनाई थी, इलाया पेरुमल कमेटी, उसने अपनी डिटेल रिपोर्ट सबमिट करी थी कि दलितों के प्रति भारत में कितनी एट्रोसिटीज होती हैं। और जब ये डेटा निकल के सामने आया तो जो पढ़ा लिखा दलित युवा वर्ग था वो बेकाबू हो गया कि यार देखो, मतलब हम तो मुंबई में रहते हैं, खैर महाराष्ट्र में, लेकिन देश के अंदर इतनी एट्रोसिटीज हो रही हैं, और ये सरकारी डेटा, और सरकारी डेटा से एक्चुअल डेटा थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रहता है हमेशा। तो 10 अप्रैल को 1970 में ये रिपोर्ट सबमिट करी गई थी, और 1972 में फाइनली इन युवाओं ने मिलकर जो है ये दलित पैंथर नाम की संस्था बनाई थी। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इस रिपोर्ट में ये था कि इस रिपोर्ट में इलाया पेरुमल कमेटी ने बताया था कि एक साल में 1969 की ईयर में, ठीक है, क्योंकि 10 अप्रैल तक आया था, 1969 की बात करेंगे ये, तभी जो है 1970 में देंगे, कि 1969 में 1117 दलित लोगों को मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया, दलित औरतों का रेप किया गया, ठीक है, और उनको जो है गांव में पेड़ों से नंगा लटका दिया गया। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, बट दिस इज हार्श रियलिटी। दलित लेबरर्स जो थे उनको हैरास किया गया, उनको पानी नहीं पीने दिया गया, ठीक है, अनटचेबिलिटी से भी आप इसको, ठीक है, पेपर टू में यूज कर सकते हैं, जीएस पेपर टू, ठीक है, जीएस पेपर टू,
कि किस तरीके से दलितों पर एट्रोसिटीज हुई हैं, तो इस रिपोर्ट का भी आप सहारा ले सकते हो कि ऐसे ऐसे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये चार चीजें थी। तो फिर एक दलित पैंथर नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी बनी, वो आज भी कार्यरत है, आज भी दलितों के लिए काम करती है। तो ये भी आप बता सकते हैं फैक्ट्स में। तो दलित लेबरर्स को हैरास किया गया, सोर्स ऑफ वाटर डेलिबरेटली उनको उनके पानी को जो है कंटेमिनेट दूषित कर दिया गया, किससे? ह्यूमन एक्सक्रीटा से। और ये कौन कर रहा होगा भाई? दलित तो नहीं कर रहा होगा, तो ये अपर कास्ट कर रही होगी। और फिर हम कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, है ना? फिर हम कहते हैं एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो किस मुंह से कहते हैं हम लोग कि आप उनके पीने वाले पानी में अगर आप पॉटी कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि हम देखो हम अपर कास्ट हैं, हम पवित्र हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, है ना? तो दीज राइटर्स एंड पोइट, इन्होंने डिमांड किया कि इमीडिएट एक्शन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट। तो ये तीन चीजें थी इस रिपोर्ट के अंदर जो हाईलाइट हुई सबसे ज्यादा। राइटर्स ने, पोइट्स ने, ये जो पढ़े लिखे युवा वर्ग थे दलित का, उन्होंने जो है यहाँ पर दलित पैंथर की क्या करी, शुरुआत करी। उन्होंने पहले एक्शन की डिमांड करी थी 1970 में, और फिर जब सरकार कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं कर पाई, क्योंकि हम उस समय वॉर वगैरह से भी गुजर रहे थे, 1971 में वॉर भी हुआ था, ठीक है, तो हालात वैसे ही ठीक नहीं थे। तो 1972 में फिर इन्होंने यहाँ पर दलित पैंथर की शुरुआत करी। दलित पैंथर वॉज बॉर्न ऑफ अ डिस्कशन बिटवीन, तीन लोग थे, दया पवार, अर्जुन दांगले और नामदेव दशल, और सॉरी दो चार और थे, प्रहलाद चंद्रवलकर, चेंड वांकर और जे वी पवार। ये जे वी पवार यही वाले हैं भाई साहब, ये जे वी पवार यही वाले हैं, यही वाले जे वी पवार हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, ठीक है। तो ये ईरानी होटल था दादर में, दादर बॉम्बे, सुना तो होगा ना, ईरानी होटल में बैठ कर डिस्कशन किया। अब जैसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंगल ने भी कैफे में बैठ के क्या किया था, है ना, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंगल ने भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी देने से पहले कैफे में बैठकर डिस्कशन किया था। तो इन्होंने भी बैठकर डिस्कशन किया और फिर यहाँ से शुरू हुआ दलित पैंथर। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ जो तीन मेन लोग हैं, ठीक है, ये हैं राजा दांगले, ये हैं भाई साहब जे वी पवार और ये हैं नामदेव दशल। ये वो ट्रायो है, ये वो तीन लोग हैं जिन्होंने जो है दलित पैंथर इस मूवमेंट के ये फेस बने। पांच लोग थे वैसे, दो अन्य लोग भी थे, लेकिन ये तीन बहुत ज़्यादा फेमस हुए, है ना। अब जैसे कि बीजेपी में बहुत सारे कद्दावर नेता हैं, लेकिन गिने सिर्फ, मतलब जोड़ी सिर्फ दो लोगों की कही जाती है, है ना, तो आप समझ ही रहे होंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सीरीज ऑफ इवेंट हुई और इससे दलित पैंथर की शुरुआत हुई। अब दलित पैंथर की ओरिजिन हमको समझ में आ गई है कि समाज में एट्रोसिटीज थी, उसकी एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के लिए एक्शन मांगा गया जो कि हुआ नहीं, तो फिर इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो फिर ऐसी एक संस्था का फॉर्मेशन हुआ। अब इनका क्या है, क्योंकि अब आप देखो मार्क्सिज्म की थ्योरी पढ़ा रहे हो ना मैं आपको, हाँ जी पढ़ा रहे हो, इससे पहले एमाइल डर्कहाइम की पढ़ाई थी, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका वो था करंट अफेयर वो बता दिया था। अब मार्क्सिज्म की थ्योरी जब हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एलियनेशन, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये सब पढ़ते हैं, तो उसी से प्रेरित होकर मार्क्सिस्ट कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, मार्क्सिस्ट कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, कि मार्क्स जो कहते हैं कि बिजनेस क्लास, मैंने कहा था ना कि आप इसको मार्क्स की थ्योरी से जोड़ सकते हैं, वो डायरेक्टली मैंने यहां पे लिखा हुआ है, और अपना कास्टिज्म से परेशान थे, तो ये कहां गए भाई, भीमराव अंबेडकर खुद बुद्धिज्म की तरफ चले गए थे, कास्टिज्म से ये गए बुद्धिज्म की तरफ, हिंदू कास्टिज्म से ये लोग चले गए किधर, बुद्धिज्म की तरफ। ये तो हो गया इनका कास्ट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लेकिन जो क्लास वाली प्रॉब्लम थी, क्लास वाली प्रॉब्लम, ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो था, उस क्लास कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए इन्होंने मार्क्सिस्ट आइडिया को फॉलो किया। और मार्क्सिस्ट आइडिया क्या कहता है कि रिवॉल्यूशन करो, क्रांति लेके आओ और बदलाव लेके आओ, ठीक है। तो ये चले गए किधर, मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस की तरफ, ठीक है, तभी तो एग्रेसिव है ये। तो इंट्रीगेट किया बेसिकली इन्होंने दो चीज़ों को इंट्रीगेट किया, इंट्रीगेट मतलब जोड़ा, एक तो मार्क्सिस्ट कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन को, कि जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ बातें करना और लोगों को जागरूक करना, विद बुद्धिज्म, जो कास्ट की तरफ से एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उनको बुद्धिज्म से जोड़ना। आइडेंटिफाई किया इन्होंने दलित एनिमीज को, इन्होंने कौन बताया कि कौन है दलित एनिमीज, वो जो बड़े बड़े जमींदार हैं, वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो जो बड़े बड़े सूद खोर व्यापारी हैं, मनी लेंडर्स हैं, जो कर्जे पे
एंड दी गवर्नमेंट ऑल्सो, इन्होंने सरकार को भी नहीं छोड़ा, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाई दी रूलिंग कास्ट, जहां जहां रूलिंग कास्ट की, रूलिंग कास्ट की गवर्नमेंट है, वो सबको जो है इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि दे ऑल आर दी दलित एनिमीज। और इन्होंने बताया कि ये लोग जो है अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए दलितों को क्या कर रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं, और लो एंड शेड्यूल कास्ट को, या फिर जो नियो बुद्धिस्ट थे, नियो बुद्धिस्ट वो लोग हैं जिन्होंने कास्ट कन्वर्जन करके बुद्धिज्म को अपनाया है, या फिर जो लोग लैंड लेस हैं, जिनके पास बिल्कुल खेती नहीं है, एकदम गरीब हैं, क्लास लेस हैं, ठीक है, जिनकी मतलब एकदम गरीब, एकदम लो क्लास में आते हैं, एंड जिनके पुअर पीजेंट, मतलब जो पुअर पीजेंट एकदम गरीब किसान हैं, या फिर जो एक्सप्लॉयटेड वुमेन्स हैं, इन सब के ऊपर क्या किया गया है, इन्होंने बोला कि इनके ऊपर किए जा रहे हैं अत्याचार। अत्याचार करने वाला कौन है, अत्याचार सहने वाला कौन है, ठीक है, ये सहने वाले हैं और ये करने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि फिर हमको क्या करना होगा, हमको मार्क्सिस्ट कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन विद बुद्धिज्म, ठीक है, ये एक्सप्लॉयटेशन को लोगों को समझाना होगा, लोगों को समझाना होगा कि जो हमारी कास्ट वाली प्रॉब्लम है वो फिर हम बुद्धिज्म से जो है ठीक कर सकते हैं। अब इन्होंने अपना मैनिफेस्टो लिखा, ठीक है, मैनिफेस्टो पब्लिश किया। मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या कहा, वी डू नॉट नीड स्पेस इन दी ब्राह्मण एरिया, हमें ब्राह्मण एरिया, जहां पर भी ब्राह्मणों की जगह है, जहां ब्राह्मण रहते हैं, हमें वहां जगह नहीं चाहिए। क्यों, आज हम वहां जगह लेंगे, अगर हमें मिल भी रही होगी, कल वहां पर हमारे ऊपर ही एक्सप्लॉयटेशन होगा। हमें क्या चाहिए, इन्होंने कहा कि वी वॉन्ट पावर फ्रॉम ऑल इंडिया, हमको ब्राह्मण एरिया में जगह नहीं चाहिए, बेसिकली हमको कास्ट हायरार्की में सम्मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए पावर, अपन को चाहिए फुल इज्जत। तो वी आर नॉट जस्ट लुकिंग एट ह्यूमन बींग्स एड इन एज इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल्स की तरफ नहीं देख रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब आप देखो, जैसे मेरा सरनेम भी ठीक है ब्राह्मणों वाला ही है, लेकिन मुझे पता है कि हाँ भाई, जो चीज़ हुई है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो इंडिविजुअल की सोच अलग हो सकती है, लेकिन एक पूरी कास्ट की सोच क्या है एक दूसरी कास्ट के बारे में, वो एक अलग बात है। तो इन्होंने कहा कि हम किसी इंडिविजुअल की तरफ टारगेट नहीं कर रहे हैं, वी आर हेयर टू चेंज द सिस्टम, द होल सिस्टम को चेंज करने की हम बात कर रहे हैं। वी बिलीव कि हाँ, एट्रोसिटीज होती हैं हमारे खिलाफ, एट्रोसिटीज यानी कि अत्याचार हुए हैं, और वो तब तक नहीं रुकेंगे, दे वॉन्ट स्टॉप बाई चेंजिंग द हार्ट्स ऑफ द ऑप्रेसर, कि वो जब तक ऑप्रेसर यानी कि अत्याचार करने वाले का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये रुकेगा नहीं। और हृदय परिवर्तन कैसे होगा, उसके लिए हमको खुद खड़ा होना होगा, वी विल हैव टू राइज अगेंस्ट देम, हमें उनके खिलाफ खड़ा होना होगा, अपनी बातें रखनी होंगी और अपने अधिकारों को मांगना होगा, मांगेंगे नहीं तो छीन के ले लेंगे, मतलब मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन के ले लेंगे, वैसी इनकी मानसिकता थी। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। दिस ऑल्सो टुक अ क्लियर स्टैंड, यहां से इनका क्लियर स्टैंड मिल रहा है ना, क्या कि अगेंस्ट, राइज अगेंस्ट, ठीक है, खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और खिलाफ खड़े होंगे दो चीजों के, एक ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज के खिलाफ खड़े होंगे, एंड दूसरा जो है कैपिटलिस्ट पावर्स के खिलाफ खड़े होंगे, जो पूंजीवादी लोग हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट, तो जो पूंजीवादी लोग हैं उनके खिलाफ खड़े होंगे, और अथॉरिटी, ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज के खिलाफ खड़े होंगे। इट स्टेटेड दैट कि जस्टिस और इक्वेलिटी तभी आएगी, विल कम ओनली आफ्टर डिफीटिंग द कैपिटलिस्ट पावर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात कौन करता है, कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात कौन करता है भाई, कम्युनिज्म करता है। ये कम्युनिज्म क्या कहता है, कम्युनिज्म यही तो कहता है कि जस्टिस और इक्वलिटी तभी आएगी जब कैपिटलिस्ट पावर खत्म होगी। और कल ही हमने पढ़ा है कि हर स्टेज अपने डिस्ट्रक्शन का बीज खुद बोती है, ठीक है, एवरी स्टेज ऑफ सोसाइटी सीड द ओन शोन ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो कैपिटलिज्म में अगर तुम हद से ज्यादा क्या कर दोगे, लोगों को एक्सप्लॉयट करोगे, तो लोग तुम्हारे खिलाफ उठ के खड़े हो जाएंगे और बात करेंगे कम्युनिज्म सोशलिज्म की, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि भाई ये तो इनका ऑब्जेक्टिव था, मैनिफेस्टो था, ठीक है, क्या कहा इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में। अब ये सब खड़ा करने के बाद में, ये संस्था बनाने के बाद में क्या खोया क्या पाया, अचीवमेंट एंड डिक्लाइन ऑफ द दलित पैंथर्स, ठीक है। और वो फिर क्योंकि भाई मेंस के आंसर में सारा दलित पैंथर अगर आ भी जाता है तो आप इतनी स्लाइड से ज्यादा क्या ही लिख के आओगे, आप यही लिख के आओगे ना भाई, ओरिजिन कैसे हुई, ठीक है, शुरू कैसे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर आप इंट्रोडक्शन में आप ओरिजिन बताओगे, फिर रोल ऑफ लिटरेचर बताओगे, फिर आप सीरीज ऑफ इवेंट्स बता दोगे ज्यादा से ज्यादा,
किस किस कारण से जो है सीरीज से ये जो है शुरू हुआ, उन लोगों के नाम लिख दोगे, फिर ऑब्जेक्टिव लिख दोगे और क्या उनका मैनिफेस्टो था वो बता सकते हो थोड़ा बहुत। आप जो है फिर अचीवमेंट और डिक्लाइन बताओगे और फिर आपका आंसर खत्म हो जाएगा वे फॉरवर्ड देखे। तो अचीवमेंट क्या थी उनकी चर्चा करते हैं। जब हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो पहली अचीवमेंट थी कि इन्होंने जो है नेशनल पॉलिटिक्स को बदलने का, मतलब बदलने की दिशा में काम किया, सोशल लैंडस्केप को बदलने की दिशा में काम किया। जो बहुजन समाज पार्टी बनी 1980s के टाइम पर, उनके जो फाउंडर थे श्री काशीराम जी, समवन हु लुक दलित पॉलिटिक्स, और इन्होंने जो है भारत में दलित पॉलिटिक्स की शुरुआत करी। आज उसकी जो अध्यक्षा हैं वो सुश्री मायावती जी हैं। तो समवन हु टुक दलित पॉलिटिक्स टू न्यू हाइट्स इन दी नॉर्थ इंडिया, ये दलित पैंथर से ही इंस्पायर्ड थे, यानी कि दलित पैंथर से इंस्पायर होकर नेशनल पॉलिटिक्स में बदलाव आए। इवन इनकी जो है यूपी में इनकी सरकार भी रही है, मायावती जी 2 या 3 बार जो है दो आई थिंक 2 बार बनी है, सीएम भी बनी है। इम्पैक्ट ऑफ रूरल एरियाज, अगर 3 बार बनी हो तो मेरे गर्दन मत पकड़ लेना, ठीक है? एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, उतना तुमको भी पता होने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि हाँ बीएसपी की जो है सरकार रही है। रूरल एरियाज में भी इम्पैक्ट आया। तो ये जो जेवी पवार हैं जिनकी किताब थी, ही राइट्स दैट द ऑर्डिनरी पीपल वर एप्रिशिएटिव ऑफ दलित पैंथर। इन्होंने बताया कि हाँ जो ऑर्डिनरी आम आदमी था, जो एकदम नॉर्मल किसान था, वो दलित पैंथर को अप्रिशिएट करता था, उनकी एक्टिविटीज़ को पहुंचाते थे रूरल एरियाज में, एक जगह से दूसरी जगह अपनी कहानियों में, किस्सों में, कला में वो सब दिखाते थे। तीसरा जो है लैंड होल्डिंग पे भी फर्क पड़ा, ठीक है? ये जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने जो है अब दलितों को उनकी खुद की लैंड देनी शुरू कर दी, लैंड जो है दलितों के पास आ गई। दलित पैंथर्स ने बड़े बड़े फार्म लैंड्स को फ्री कराया जो कि लैंड लॉर्ड्स के जमींदारों के हाथ में थे, और उनको उनके राइटफुल ओनर्स के जिस जिस की थी जो हड़प ली थी जमींदारों ने उसको वापस कराया। ऐसा भी कहा जाता है कि दलित पैंथर जो हैं वो उनका बस एक मैसेज आना ही काफी होता था, इट वॉज इनफ टू सेंड अ चिल डाउन द स्पाइन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड गूंस, ठीक है? तो बड़े बड़े गुंडों की जो है खाट खड़ी हो जाती थी, आप ऐसे समझ लो, ठीक है? इवन द पुलिस हैड टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स दलित, क्योंकि दलितों के प्रति पहले पुलिस जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम भी जो है एट्रोसिटीज करता ही था, उनका भी एटीट्यूड धीरे धीरे बदलने लगा, ठीक है? और दलित पैंथर ने क्या किया, जो आपका भीमराव अंबेडकर की जितने भी वर्क्स थे, ठीक है, लिटरेरी वर्क्स, उनको धीरे धीरे एज अ लिटरेरी मूवमेंट उनको रीपब्लिश करना शुरू कर दिया, और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया कि वो पब्लिश करें अंबेडकर साहब की मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो अंबेडकर साहब लिखते थे, क्योंकि अंबेडकर साहब जो लिखते थे अगर उस चीज़ को पब्लिश किया जाएगा, न्यूज़पेपर्स में आएगी, लोग पढ़ेंगे, तो लोगों का एक एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा टुवर्ड्स दी SC ST विच वर गैदरिंग डस्ट इन सम गोडाउन, कहीं धूल खा रही थी मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनको वापस से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डलवा के उनको रिपब्लिश करवाया न्यूज़पेपर्स में। अगला है कि इम्पैक्ट ऑन दी विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बिगेस्ट सक्सेस थी अब तक की, क्योंकि दलित विमेन को, एक तो दलित ऊपर से विमेन, ठीक है, मतलब एक तो विमेन ऊपर से दलित, तो उनको तो कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है, जब चाहे जिसने मार दिया, पीट दिया, रेप कर दिया, जब मतलब ये सब चीज़ें होती थी। तो बिगेस्ट सक्सेस ये थी कि इन दलितों के बीच में आ गया एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आपस में और एक सेंस ऑफ कनेक्शन, अब ये एक दूसरे के लिए उठ खड़े होने लगे। अम्बेडकर जी का जो कंसर्न था जेंडर इक्वेलिटी वाला, मेल और फीमेल के बीच में जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए, उस पर भी इन्होंने ध्यान दिया, उन इश्यूज़ के ऊपर भी, और अपनी फीमेल्स को प्रोटेक्ट किया। When Dalit women experience incidents of abuse, rape or kidnapping by police or outsiders, Dalit men have intervened. Dalit men खड़े हो गए उनकी सोसाइटी की फीमेल्स की प्रोटेक्शन में और उनकी जब भी जिस चीज की भी जरूरत है उसमें। तो ये अचीवमेंट थी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आया। लेकिन इनके साथ में इश्यूज क्या हुए, इनके कुछ इश्यूज भी थे, ठीक है, क्यों ये डिक्लाइन हुआ कि यहाँ पर कुछ 3 प्रॉब्लम्स को जो है हम बात करेंगे। दलित पैंथर का जो प्रोजेक्ट था वो अपने आप में, जो भारत के अंदर एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI नाम की एक पार्टी आई थी, दलित पैंथर उसी का अल्टरनेटिव लगता था लोगों को, और दलित यूथ, बस इसमें यह था कि दलित पैंथर के अंदर दलित यूथ और दलित स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर थी ये मतलब संस्था जो है, और ये संस्था जो है कुछ 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 परेशानियों की, कुछ प्रॉब्लम्स की शिकार हो गई।
ठीक है, क्यों शिकार हो गई? क्योंकि आरपीआई एक नेशनल पार्टी की तरह उभर रही थी, और जो अपना दलित पैंथर है ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक मूवमेंट था, और ये बन रहे थे नेशनल पार्टी की तरफ। इनका जो है क्या था, इनका एम था कि इनको नेशनल पार्टी बनना है। तो ये जो नेशनल पार्टी है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने खिलाफ, मान लीजिए कि दलित पैंथर ऑर्गेनाइजेशन काफी सक्सेसफुल हो गया, आगे चल के इन्होंने दलित पैंथर पार्टी बना ली, मान लो अब दो पार्टी हो जाएंगी, तो सत्ता का खेल है, सब पैसे का खेल है बाबू भैया, सब सत्ता का खेल है। तो आरपीआई ने इसकी राह में कुछ रोड़े अटकाए, और जब आरपीआई ने कुछ रोड़े अटकाए तो क्या हुआ कि तीन समस्याएं इनके सामने आई। पहली बड़ी समस्या जो थी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है महाराष्ट्र के ही अंदर थी, ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर जो महार जाति है, ठीक है, आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर से के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो सबसे ज्यादा महार जाति के लोग यहाँ से, महार और चमार्स जिनको आप जाटव कहते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा थे नॉर्दर्न इंडिया और महाराष्ट्र के, पर्टिकुलरली यूपी में भी ऐसा ही था। आगे चलेंगे, मतलब तो कहने का मतलब ये है कि एससी में भी सिर्फ दो ही मेन थे, महार्स एंड चमार्स। अब कहने का मतलब ये है कि एससी में तो देर आर सो मैनी डिफरेंट सब कास्ट आर देयर, तो इट इज दीज कास्ट जिन्हों जो कि बैकबोन थे इस मूवमेंट की, और बाकी सारी कास्ट जो थी, अदर दलित कास्ट जो हैं, उनको नेग्लेक्टेड फील हो रहा था, और आरपीआई ने इसी बात का फायदा उठाया, इसी चीज को और भड़काया, और आरपीआई ने कहा कि अदर दलित कास्ट जो हैं वो नेग्लेक्टेड हो रही हैं इस पार्टी से या इस कास्ट ग्रुप से, ठीक है, और उनको लगता है कि ये जो ग्रुप है ये उनका ग्रुप नहीं है। तो एक प्रॉब्लम ये बढ़ गई, मतलब ये जो संगठन के अंदर दरार आने की शुरुआत यहाँ से हुई। दूसरा इशू क्या था कि जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी स्ट्रेटजी थी कि इलेक्शंस और बिना इलेक्शंस के टाइम पे, तो इलेक्शन के टाइम पर तो क्या करते थे ये, मतलब खूब दलित 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 करते थे, लेकिन इलेक्शन के बाद ये सब नहीं, मतलब भूल जाते थे। तो हमारे अम्बेडकर हैड ऑल्सो लेफ्ट नो क्लियर डायरेक्टिव्स, तो अंबेडकर ने नहीं बताया था कि अभी भी कि अंबेडकर की मैन्यूस्क्रिप्ट छपवा रहे थे ये न्यूज़पेपर्स में, तो अंबेडकर ने कभी भी ये नहीं बताया था कि भाई अपने लिए पार्टी खड़ी करो और ये सब करो, क्लियर गाइडेंस नहीं थी। और क्लियर गाइडेंस ना होने की वजह से जो पार्टी लीडर्स थे वो क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में आके फंस गए, और स्ट्रेटजिकल स्ट्रगल्स इनके चलने लगे, आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस आए। तीसरा, जो पॉलिटिकल पार्टी डेवलप नहीं हुई थी, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया था, वो धीरे 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 वैनिश होने लगी, डिफ्यूज होने लगी दूसरी पार्टीज में। और दूसरी पार्टीज में जब डिफ्यूज हुई तो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी, और जब लोगों को लग गया कि नहीं यार बहुजन समाज पार्टी जो है काफी बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तो दलित पैंथर का जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि पावर आपके पास कब आएगी, पावर आपके पास तब आएगी जब आपके पास होगी सत्ता, ठीक है, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पावर अगर आपके पास होगी तो आप तभी कुछ कर सकते हैं, और दलित पैंथर सिर्फ एक मूवमेंट था, इनके पास में कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, ठीक है, इनके पास में पॉलिटिकल पावर नहीं थी, पॉलिटिकल पावर कहां थी, यहां थी, और इस वजह से लोगों ने दलित पैंथर का जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा कम हो गया। तो रिफ्ट आ गई, दो फाउंडिंग मेंबर्स जो कि धाले और दशाल, जिनके दो के नाम हमने अभी डिस्कस किए थे, ठीक है, नामदेव दशाल और राजा धाले, इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने लगे, सोच में बदलाव हुए, और इसी की वजह से दलित पैंथर मूवमेंट जो है 1974 में, 72 में बना था, 74 में ये क्या हो गया, 1974 में ये जो है दो हिस्सों में टूट गया, ठीक है, स्प्लिट हो गया बुद्धिज्म अंबेडकर और एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, मतलब बुद्धिज्म अंबेडकर, बुद्धिज्म और अंबेडकर का जो पर्सपेक्टिव था वो अलग हो गया, वो सोच वाले लोग एक साइड हो गए और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले एक साइड हो गए। मतलब कहने का मतलब है कि एक जो कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे वो एक साइड आ गए, एक जो कास्टिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है, वो बुद्धिज्म और अंबेडकर वाली साइड उन्होंने चूज कर ली, और एक जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहे थे वो चले गए भैया मार्क्सिज्म की विचारधारा को सपोर्ट करने, और मार्क्सिज्म की विचारधारा को ही जो है उस विचारधारा से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को चलाया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन दो हिस्सों में बट गई, जिन दो हिस्सों से शुरू हुई थी, ठीक है, याद करो, इंट्रीगेट हुई थी, इंट्रीगेट हुई थी दो हिस्सों से, मार्क्सिस्ट कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटेशन विद बुद्धिज्म के इंट्रीगेशन से बनी थी, उन्हीं दो चीजों में ये टूट गई। और जब ये इन दोनों चीजों में टूटी तो देयर वॉज नॉट प्रॉपर लीडरशिप, और इन द लैक ऑफ लीडरशिप, में क्या हुए, लोग जो हैं समझ नहीं पाए, और ये जो मूवमेंट है ये राइट डायरेक्शन में नहीं पहुंचा, और ये मूवमेंट फेल हो गया, ठीक है, उस टाइम पर ये काफी ज्यादा
मतलब सोचो 2 साल वाली चीज अगर हम 50 साल बाद भी पढ़ रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा जो है इनका सिग्निफिकेंस रहा होगा। अब कंटेम्प्ररी न्यूज ये है कि 50 ईयर्स उसको हो चुके हैं इसके फॉर्मेशन को, और इसकी आज भी कंटेम्प्ररी रिलीवेंस क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये कंक्लूजन में आप यही लिख के आएंगे कि कंटेम्प्ररी रिलीवेंस क्या है, कि दलित पैंथर जो है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ा, भेदभाव इनजस्टिस के खिलाफ लड़ा, अत्याचार के खिलाफ लड़ा, और फांसीवाद, ठीक है, कि कोई भी दलित है उसके ऊपर अत्याचार करो, अगर वो आवाज खोलता है कोई भी किसी भी अत्याचार के खिलाफ तो उसे फांसी से लटका दो। फासिज्म, आज की सिचुएशन टुडे सिचुएशन इज नो डिफरेंट, आज भी जो है आपको ऐसे ही एग्जांपल्स मिलेंगे खूब सारे। तो जो दलित पैंथर की स्पिरिट है, वो जो जोश है, वो आज भी कई सारी दलित ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जा सकता है। नामदेव की खुद की एक पोएम थी जो कि आज भी लोगों को इंस्पायर करती है, और इसीलिए आज भी जो है लोग आज भी ये जो दलित पैंथर हैं ये 50 साल बाद भी जो है रिलीवेंट है। पॉलिटिकल एनालिस्ट लोगों का कहना है कि दलित पैंथर क्रिएटेड अ स्पेस, इन्होंने भारत की सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल तीनों ही एस्पेक्ट्स में जो है यहाँ पर एक नया स्पेस क्रिएट किया दलितों के लिए, जो पहले कभी था ही नहीं। और आज जितनी भी दलित पार्टियाँ हैं ना, वो इस दलित पैंथर ऑर्गेनाइजेशन और इस मूवमेंट की वजह से ही हैं। तो आज भी इसकी सिग्निफिकेंस है। दलित पैंथर ने चैलेंज किया सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम कल्चरल पॉलिटिक्स को, कि उच्च जाति वाले ही क्या करेंगे वो कल्चरल पॉलिटिक्स, मतलब मैं जो है जैसे परंपरागत राजनीति चलती आ रही थी उसी में, उसमें मेन स्ट्रीम वाले लोग होंगे और ये सब नहीं होगा। एक सेकेंड रुकना भाई, ठीक है। एंड क्रिएटेड एन अनडिनाइबल पैरेलल मूवमेंट, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो दलित पैंथर की ये सबसे बड़ी क्या थी, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि इन्होंने दलितों के लिए और वर्कर्स के लिए काम किया। कास्ट और क्लास, वर्कर्स क्लास से जोड़ोगे आप, दलित कास्ट से जोड़ोगे आप, मतलब क्लास में वर्कर्स में आपका गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, ठीक है, गरीब क्षत्रिय भी हो सकता है, गरीब वैश्य भी हो सकता है। दलित पैंथर ने उन सब के लिए भी काम किया। इवन आफ्टर द ओरिजिनल दलित पैंथर ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्प्लिट हो गई थी 1974 में, डिफरेंट दो अलग अलग लीडरशिप में ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चलती रही। और इस ऑर्गेनाइजेशन से 1972 में बनी थी, क्योंकि 1970 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी 1969 के डेटा को लेके, उसके लिए इन्होंने एक्शन मांगे थे, एक्शन हुए नहीं, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। 1974 में ये ऑर्गेनाइजेशन टूट गई, लेकिन 1988 का डेटा देखें तो आज 1988 का डेटा देखने से हमें पता चलता है कि उस समय पर 1988 तक एक दलित पैंथर से 10,000 लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। जब महाराष्ट्र के अंदर प्रोटेस्ट हुई थी तो 10,000 लोग दलित पैंथर के लोग थे, तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा इनका वर्चस्व रहा होगा। अब एक छोटी सी चीज़ समझाते हो, यहाँ पे आपका पूरा मेंस का आंसर और आपके ऑप्शनल वगैरह का आंसर पूरा यहाँ पर होता है, किस तरीके से लिखना है और क्यों ये न्यूज़ सिग्निफिकेंट है। हमने पूरी डिकोड भी कर ली है। अब बस मैं आपको एक, क्योंकि होता है ना कि जब तक एक दो फिगर नहीं बनाएंगे, फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे, तो हमारा पेट कैसे भरेगा, है ना, और कैसे हमें नंबर मिलेंगे। तो उसके लिए है, आपके दिल की शांति के लिए, इंडियन सोसाइटी, ये पूरा का पूरा भारतीय समाज है। इस भारतीय समाज में दलित कहीं यहाँ बैठा हुआ है छोटे से ग्रुप में, और ये तब की बात है जब हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया की, ये तब की बात है जब हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंडियन रूल की, ठीक है, ब्रिटिश रूल चल रहा है। तो जो इंडियन सोसाइटी है, पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी किसी और ही चीज के लिए फाइट कर रही है, क्या, कि द इंडियंस जहां एक जगह द इंडियन सोसाइटी लिख लीजिए, द इंडियन सोसाइटी एक जगह जहां इंडियन सोसाइटी एज अ होल फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, वहीं पे बेचारा एक दलित था, मतलब दलित समाज था, वो दलित समाज क्या कर रहा था, फॉर दलित, उनके लिए कुछ अलग ही चल रहा था, वो अपने ही समाज से लड़ रहे थे। भाई पूरा का पूरा भारतीय समाज ब्रिटिश रूल से लड़ रहा था, ब्रिटिश रूल से, और दलित अपने ही समाज से लड़ रहा था अपने अधिकारों के लिए, फॉर दलित, ये हमने हिस्ट्री में देखा है, फॉर दलित द फाइट एज टू फोल्ड, कि उसे अंग्रेजों से भी लड़ना है, ठीक है, देश के लिए लड़ना है, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना है, और उसको किससे भी लड़ना है, एक तो टू फोल्ड, एक तो ऑपरेशन,
अपने खिलाफ हो रहे ऑपरेशन से भी लड़ना है, और दूसरा इनजस्टिस, इनजस्टिस बाय इंडियन सोसाइटी, कि अंग्रेजों से तो लड़ना ही लड़ना है। और ठीक है, टू फोल्ड, ठीक है, मतलब टू फोल्ड मतलब बोथ ब्रिटिशर्स से भी लड़ना है एंड ओन सोसाइटी, ओन इंडियन सोसाइटी, इससे भी लड़ना है अपने ऑपरेशन और अपने इनजस्टिस के खिलाफ। तो ये आपका हिस्ट्री में चलता ही रहा है। तो अंग्रेजों से तो हमको आज़ादी मिल गई, लेकिन इंडियन सोसाइटी के ऑपरेशन और इनजस्टिस से हमको आज़ादी नहीं मिली। और यही चीज़ जो है 1969 की रिपोर्ट में निकल के आई कि काफ़ी सारे रेप हो रहे हैं, काफ़ी सारे 1117 मर्डर्स हुए थे, और दलितों को जो है उनके पीने का पानी, उनके लिए मतलब बहुत एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, ठीक है, सबको कंटेमिनेट किया जा रहा है, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। तो ये आप हिस्ट्री में बता सकते हैं, मतलब कि इस तरीके का एक फ्लो चार्ट बना के आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है ये पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। कुछ नया सीखा हो तो ज़रूर से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ये जीएस पेपर वन इंडियन सोसाइटी के लिए, प्लस सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर टू कास्टिज्म के लिए, पेपर वन मार्क्सिज्म के लिए, दोनों के लिए एक रिलीवेंट कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में आज रात को 10 बजे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।